हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज हम हिस्ट्री का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंडो चाइना का राष्ट्रवाद। ठीक है, इंडो चाइना का राष्ट्रवाद यह है प्रॉपर तरीके से एक बहुत ही मजबूत चैप्टर है और जीके के अंतर्गत इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि यूरोप में उदय राष्ट्रवाद को पढ़ा है हमने, यूरोप के राष्ट्रवाद को पढ़ा है, वहां की विचारधाराओं को विश्व में जो फैली है उनको सभी को अपनाया है। ठीक है, और इसी प्रकार से इंडो चाइना राष्ट्रवाद क्या है उसकी बारे में आज हम जानने वाले हैं कि इंडो चाइना कहाँ क्या कहलाता है, कौन कौन से देश इंडो चाइना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपने चैप्टर को। स्लाइड आपके सामने है, इंडो चीन का राष्ट्रवाद। शुरुआती इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उपनिवेश का निर्माण कैसे हुआ, कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनाम का राष्ट्रवाद कैसे हुआ या क्या है ये सारी चीजें, हो चीन मिन ट्रोल क्या है, ये कैसा नाम अजीब सा, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कि इसमें जो इंडो चाइना राष्ट्रवाद है इसमें आपका वियतनाम आता है, ठीक है, म्यांमार आता है, ठीक है, और लास्ट वन कौन सा आता है, कम्बोडिया आता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों को मिलाकर के ही क्या कहा जाता है, इंडो चाइना कहा जाता है। ठीक है, इसको रफ करो और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं आज अपनी फर्स्ट स्लाइड के साथ। शुरुआती इतिहास क्या है, अर्ली हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आधुनिक जो है आज के समय में जो है वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया के इलाकों को इंडो चाइना कहा जाता है। अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता देता हूँ, दिख रहा होगा म्यांमार एरा या भारत अपना, ठीक है, और ये म्यांमार है, ये वियतनाम है और कंबोडिया आपके सामने है। ठीक है, आया समझ। तो इसी को क्या कहा जाता है, इंडो चाइना कहा जाता है, इंडो चीन कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ के लोग अलग अलग समूहों में बटे हुए थे और चीन के शक्तिशाली साम्राज्य की छत्र छाया में रहते थे। जब स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हो गया तब भी यहाँ के शासक चीन का पुरातन संस्कृति का अनुसरण करते रहे और वहां की प्रशासन पद्धति को अपनाते रहे। ठीक है, वियतनाम उस सिल्क रूट से भी जुड़ा हुआ था जो जल मार्ग से होकर जाता था, कौन, वियतनाम। इस कारण से यहाँ सदियों से माल, लोग और विचार अत्यधिक होते रहे हैं। व्यापार के अन्य रास्ते से ये अंदर के इलाकों से भी जुड़ा हुआ था जहाँ के वियतनामी लोग रहते हैं, जैसे कि खमेर और कम्बोडियन, ठीक है, इसमें ही स्थित रहते हैं। उपनिवासियों का निर्माण ये कैसे जाने, फ्रांस की सेना 1858 में वियतनाम पहुंची थी। कब पहुंची थी वियतनाम, एक मिनट रुके। को रफ कर देता हूं मैं, एक मिनट रुको बस। ठीक है, जो फ्रांस की सेना है वो 1858 वियतनाम में पहुंची थी। वियतनाम तो आजाद तो हुआ 1945 में, ठीक है, ठीक है, और गणतंत्र हुआ, ठीक है, गणतंत्र हुआ था 1975 में। ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था इसको, ठीक है, किसको, वियतनाम देश को। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपसे पूछ लेगा आपका गणतंत्र देश कब हुआ, ये इन कमेंट मुझे बताओ। भारत जो है 1880 के दशक के मध्य तक में पूरे उत्तरी इलाके पर फ्रांसीसी सेना का कब्जा हो चुका था। फ्रांस और चीन की लड़ाई के बाद फ्रांस का नियंत्रण टोकिन और अनम पर भी हो गया। इस तरह 1887 में फ्रेंच इंडो चाइन का निर्माण हुआ जो कि एक आज के समय में इंडो चाइना था, तो उस समय फ्रेंच इंडो चाइना नाम धरा गया था। ठीक है, निर्माण हुआ तो जो भी है। तो फ्रांस के लिए उपनिवेश का मतलब क्या होता है, यूरोप की शक्तियों के प्राकृतिक संसाधनों और अन्य चीजों की मांग को पूरा करने के लिए उपनिवेश को जरूरत होने लगी। उपनिवेश मतलब किसी का शासन होना। यूरोपीय शक्तियों का यह मानना था कि पिछड़े लोगों की सुधारना उनकी जिम्मेदारी थी और क्योंकि वे विकसित थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहने का मतलब है इसका, कि जो ये वियतनाम है, जो म्यांमार है, जो कम्बोडिया देश है, ये ब्रिटेन देश या यूरोप के जितने भी देश है उन सबसे ही लो में, मतलब ये बहुत ही गरीब है उनसे, और अमीर लोग थे यूरोप थे, उनका मतलब था कि इनको जीना सिखाएंगे हम, ठीक है, इनको रहना सिखाएंगे, इनको मतलब सुधारेंगे इनको अच्छे तरीके से, ठीक है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये कहना था इनका, किनका, इन फ्रंगियों का, फ्रांस का जो भी है, ठीक है, इन फ्रांसीसियों का मेन मकसद तो यही था। अब फ्रांसीसियों ने मैंकांग डेल्टा की जमीन को सींचने के लिए नहर बनाने की शुरुआत की ताकि फसल की पैदावार बढ़ाई जा सके और इससे चावल की पैदावार बढ़ाने में काफी मदद मिली। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1900 में कुल 2,74,000 हेक्टेयर जमीन पर चावल की खेती होती थी, जो 1930 में बढ़कर 11 लाख हेक्टेयर हो गई, काफी कम किया है। 1931 आते आते
वियतनाम से धान की कुल उपज की 2/3 हिस्सा निर्यात होने लगा। इस तरह से वियतनाम धान निर्यात करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन गया था उस समय। उसके बाद वहां पर आधारभूत सुविधाओं को बनाने का काम शुरू हुआ। सामान सैनिक आसानी से लाने ले जाने के लिए जरूरी था और फ्रांसीसी ने एक सकल इंडो चैन रेल चीन रेल तंत्र का काम शुरू किया और चीन में यूनान में आखिरी रेल लिंक 1910 में बनकर पूरा हुआ। एक दूसरी लाइन बनाई गई जो वियतनाम को सियाम से जोड़ती थी और थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि थाईलैंड का पुराना नाम कहां पर है, क्या था, थियाम। अब इसमें क्या है कि क्या उपनिवेशियों को विकसित करना चाहिए। पॉल बर्नार्ड एक जाने माने फ्रांसीसी विचारक थे जिनका मानना था कि वियतनाम के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं का निर्माण जरूरी था। यदि लोग खुशहाल होते हैं तो फ्रांस के व्यवसाय के लिए बेहतर बाजार का निर्माण हो सकता है। उन्होंने खेती को पैदावार बढ़ाने के लिए भू सुधार पर भी बल दिया था। ठीक है, किसने, पॉल बर्नार्ड ने। तो उस दौरान वियतनाम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से धान और रबर की खेती निर्भर करती थी। इन्हीं क्षेत्रों को सुविधा मुहैया कराने के लिए रेल बंदरगाहों का निर्माण किया गया, लेकिन वियतनाम की अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण के लिए फ्रांसीसियों ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उपनिवेशियों शिक्षा पद्धति की दुविधा कैसी थी उस समय। ठीक है, अन्य यूरोपियन शक्तियों की तरह फ्रांस भी अपनी आधुनिक संस्कृति की वियतनाम के लोगों को थोपना चाहता था। ठीक है, उनका मानना था कि वियतनामों को सुधारने के लिए यह आवश्यक था। फ्रांसीसी लोग स्थानीय लोगों को इसलिए भी शिक्षित करना चाहते थे कि ताकि क्लर्की करने के लिए उन्हें श्रमिक मिल सके, लेकिन वे अच्छी शिक्षा देने से बचते रहे। ठीक है, अच्छी शिक्षा देंगे तो वो उनके सिर पे चढ़ जाएंगे, सीधी बात ये हुई। बस इतना पढ़ा लेगा कि ये काम में आ जाए और इनकी भाषा हमारी समझ में आ जाए और हमारे इनकी आ जाए, बस ये चाह रहे अंग्रेजन की तरह। उन्हें डर था कि अच्छी शिक्षा लोगों के जागृत आ जाएगी जिससे उपनिवेशों शासकों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये देख लो, आधुनिक होने का मतलब क्या है, वियतनाम के सांस्कृतिक संभाव्य लोगों में चीनी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव को कम करने फ्रांसीसियों के लिए महत्वपूर्ण था। पुरानी शिक्षा पद्धति को योजनाबद्ध तरीके से तहस नहस किया गया और उसकी जगह नई शिक्षा पद्धति को जमाने की कोशिश की गई, लेकिन संभ्रांत लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीनी भाषा को उखाड़ फेंकना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। ठीक है, कुछ फ्रांसीसी नीति निर्माता चाहते थे कि पढ़ाई का मीडियम फ्रेंच हो। वे एक ऐसा एशियाई फ्रेंच बनाना चाहते थे जिसके तार यूरोप के फ्रांस से मजबूत से जुड़े। कुछ अन्य विचारों को लगता था कि निचली क्लासों में वियतनामी भाषा पढ़ाई जाए और ऊंचे क्लास में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाए। देख रहे हो, जो कोई भी फ्रेंच भाषा और फ्रेंच संस्कृति महारत हासिल कर लेता था उसके लिए फ्रेंच नागरिकता की प्रावधान भी रखा गया था। ये सब लालच है, लेकिन फ्रेंच क्लास की फाइनल परीक्षा में छात्रों को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि स्थानीय लोग अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए आगे न पाए बढ़ सके। समझ रहे हो, स्कूल की किताबों में फ्रेंच संस्कृत का गुणगान किया जाता था, उपनिवेशी शासन को उचित बताया जाता था, इन किताबों में वियतनामों को पिछड़ा दिखाया जाता था। फ्रांसीसी के मुताबिक आधुनिक होने का मतलब था पश्चिमी संस्कृत को नकल करना। वियतनामी लोग लंबे बाल रखते थे जबकि छोटे बालों को बढ़ावा दिया जाता था उस समय। स्कूल में विरोध कैसे, प्रोटेस्ट इन स्कूल, लेकिन स्कूलों में इन बातों का विरोध होता था कि शिक्षक और छात्र सिलेबस में लिखी बातों को पूरी तरह नहीं मानते थे। कुछ विरोध खुले तौर पर होते थे, कुछ चुपचाप होते थे। जब निचली क्लासों में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई तो इस पर नियंत्रण रखना संभव नहीं हो रहा गया। वास्तव में क्या बढ़ाया जा रहा था यह पता किसी को नहीं था। वियतनाम में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने के लिए स्कूलों ने अहम भूमिका निभाई। 1920 का दशक आते आते छात्रों ने राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी अपने स्कूल में और राष्ट्रवाद पत्रिकाएं भी निकालने शुरू कर दी। यंग अनन पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और अन्य जी स्टूडेंट एक पत्रिका इसके कुछ उदाहरण है। फ्रेंच शिक्षा और संस्कृति को थोपा जाना उल्टा पड़ने लगा था क्योंकि वियतनाम के बुद्धिजीवी इससे अपनी संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। ठीक है, साफ सफाई, बीमारियां, हनोई शहर के निर्माण में आधुनिक इंजीनियर और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ था। उपनिवेश शासकों के लिए सुंदर शहर बना गया था जो चौड़ी चौड़ी सड़कें और नालियां थी, लेकिन स्वच्छता के मिसाल के तौर पर जो नालियां बनी थी उनमें चूहे की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। इसके बना शुरू हनोई में प्लेग की बीमारी फैल गई। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने टॉपिक सा डाल दिया। चूहों का शिकार, राइट हंटिंग कैसे, प्लेग की रोकथाम के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने की स्कीम शुरू की गई। इस काम के लिए वियतनाम के मजदूरों को लगाया गया और प्रति चूहे की दर से उन्हें पैसे मिलते थे। लोगों ने हजारों संख्या में चूहे पकड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, चूहा मारने के सबूत तौर पर चूहे की पूंछ को दिखाना होता था और मेहनत मिल जाती थी। कई लोगों ने इसे मौके पर फायदा उठाया। लोगों को चूहों ने दुम काटने लगे और पैसे कमाने लगे।
कई लोगों ने तो चूहों को पालना शुरू कर दिया ताकि अच्छी कमाई कर सके। इस घटना से पता चलता है कि कुछ परिस्थितियों में बहुत ताकतवर लोग भी ऐसा हो जाते थे और कमजोर लोग मजबूत स्थिति में आ जाते थे। ठीक है, धर्म उपनिवेश वियतनाम की धार्मिक मान्यताओं में बुद्ध और कंफ्यूशियस और कई स्थानीय रीतियों का मिश्रण था। फ्रेंच मिशनरियों ने वहां ईसाई धर्म को लाया था। स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन का यह प्रयास पसंद नहीं था। 18वीं सदी से पश्चिमी मान्यताओं के खिलाफ कई धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए और 1969 का स्कॉलर रिवोल्ट ऐसा ही एक आंदोलन था जो ईसाई धर्म के खिलाफ था। ठीक है, अब हुई इन फूसोकों ने इस तरह के आंदोलन में से एक था हुआ हाउ, ये इंपोर्टेंट है हुई इन फूसो। इसकी शुरुआत 1939 में शुरू हुई थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हो आ और हा ओ आंदोलन किसका है और कब हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन 19वीं सदी के फ्रेंच विरोधी लोकप्रिय धार्मिक भावनाओं को काफी प्रेरित था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हो आ हा ओ आंदोलन के जनक का नाम था हुआन फूसो। ठीक है, इन्होंने चलाया था इसको। वे कई तरह के चमत्कार किया करते थे कि गरीबों को मदद करते थे। वे अनपशाना खर्चे आलोचना करते थे और काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने कई सामाजिक क्रोधों के खिलाफ आंदोलन चलाया जैसे कि बाल विवाह, जुआ, शराब, अफीम। इन्होंने किसने, हुआन फूसो ने। ठीक है, फ्रांस शासकों ने हुआन फूसो के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। उन्होंने उसे पागल करार कर दिया और उसे पागल बोनिया का नाम दिया। उसे एक पागल खाने में डाल देगा, लेकिन जिस डॉक्टर को उसे पागल होने का सर्टिफिकेट देना था वही उसका फैन बन गया। आखिर में उसे देश निकाला लेकर लाओस भेज दिया गया। उसके कई अनुयायियों को कंस्ट्रक्शन कैंपों में डाल दिया गया। ये देख रहे हो तो इतने चतुर दिमाग था इनमें, फिर भी इन्होंने इतना उसको विचार के ऊपर अत्याचार करो है किसके, हुआन फूसो के ऊपर जिसने हुआ हाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, अपने देश के हित में। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट है कि फान बोई चाउ 1867-1940 वे एक राष्ट्रवादी थे जिनका शिक्षा कन्फ्यूशियन पद्धति से था। उसने 1903 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी जो कि डुई तान हुई का गठन किया जिसका नेतृत्व प्रिंस कुआंडे ने करते थे। फान बोई चाउ 1905 में योकोहोमा चीनी सुधारक लियांग क्वेचनो उठाते थे। ये थे, थोड़ी सी कहानी है, इसको पढ़ लेना। फान सू ट्रिन ने ये फान बोई चाउ के विचार के सबके खिलाफ थे, राजतंत्र के खिलाफ थे। इस बात की विरोधी थे कि फ्रेंच को विरोध करने के लिए कोर्ट की मदद मिल जाए। वे पश्चिमी प्रजातांत्रिक भावनाओं को प्रभावित करते थे और उन्हें फ्रांस लोगों को स्वच्छता की भावना पसंद आती थी। वे चाहते थे कि फ्रेंच शासक कानूनी और शैक्षिक संस्थाओं का निर्माण करे और कृषि उद्योग को बढ़ावा दे। बस नेक्स्ट है कि चीन और जापान का प्रभाव कैसे पड़ा। 20वीं सदी के पहले दशक में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के वियतनाम से कई छात्र जापान गए और जापान जाने का मुख्य उद्देश्य था कि वियतनाम से फ्रेंच लोगों को भगाना, कठपुतली राजा को हटाना और फिर से एंग्वन वंश के शासन का बहाल करना। वे जापानियों से एशियाई होने के नाते मदद गुहार करते थे। ठीक है, जापान एक आधुनिक देश बन चुका था। जापान ने पश्चिमी लगता तो उपनिवेश बनाने की कोशिश का नाकाम कर दिया था। 1907 में जापान की रूस पर विजय से जापान की सैन्य शक्ति साबित हो चुकी थी। 1908 के बाद जापान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वियतनामी छात्रों को क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिए। कई क्रांतिकारियों को जापान से निकाल दिया गया। इन क्रांतिकारियों ने चीन, थाईलैंड पनाह लेने पर विवश होना पड़ा और फाइन बोइन चाऊ में उनमें से एक थे। ठीक है, जो पीछे पड़े हैं। चीन में आने वाले बदलाव वियतनाम राष्ट्रवादियों पर अपना प्रभाव डाल रहे। 1911 में सन यात सेन के नेतृत्व में एक लोकप्रिय आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के लंबे समय से चले रहे आ रहे राजतंत्र को समाप्त किया, लोकतंत्र को बहाल किया था। वियतनाम के छात्र उस घटना में काफी प्रभावित थे। उन्होंने एसोसिएशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वियतनाम मतलब कि वियत क्वान फूक होई बनाया और आजादी की लड़ाई का मतलब था कि एक लोकतंत्र बना की स्थापना का होना। ठीक है, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ाता चल रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका कम्युनिस्ट आंदोलन का वियतनाम का राष्ट्रवाद कैसे हुआ। 1930 के दशक की आर्थिक मंदी का वियतनाम पर गहरा असर पड़ा। चावल और रबर की कीमतों पर भारी गिरावट हुई। इसके कारण गांव में बेरोजगारी बढ़ी, लोगों पर कर्ज बढ़ गए और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के विरोध ने आवाज उठानी शुरू कर दी। नगे, अन ओ और हा तीन राज्य एक प्रतिनिधियों का केंद्र बिंदु थे। इन विरोधियों को फ्रेंच शासकों ने कुचल दिया। विरोधों को कुचलने के लिए विमान और बम का इस्तेमाल किया जाने लगा। बताओ 1930 के फरवरी में हो चिन मिन के कई विरोधी राष्ट्रवादी गुटों को एक साथ वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को शुरू किया और बाद में इसका नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया था। ठीक है, वियतनाम में लोकतंत्र की स्थापना। जापान दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जापान ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा कर लिया। अब राष्ट्रवादी नेताओं को दो दुश्मनों को लड़ना पड़ रहा था,
एक तो फ्रेंच, एक जापानी। अब लीग ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ वियतनाम, जो वियतनाम डक लैप डोंग मिन, जिसे बाद में वियतनाम का नाम जाना जाने गया, जापानी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1945 में हनोई को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का निर्माण हुआ, जिसके चेयरमैन बने हो चिन मिन। ठीक है, हो चिन मिन, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ भी सकता है यहाँ से क्वेश्चन। वियतनाम का विभाजन, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका पर का कब्जा कैसे, युद्ध में अमेरिका का शामिल होना कैसे हुआ, कि अमेरिका का यह खतरा लगने लगा कि वियतनाम में किसी कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार बहाल हो जाने से आसपास के इलाकों में वैसी ही सरकारें बन जाएंगी। अमेरिका नहीं चाहती थी कि कन्फ्यूजन फैले, ठीक है, कम्युनिज्म फैले, इसलिए अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया, और वियतनाम के युद्ध में अमेरिका ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को इस्तेमाल किया और अत्याधुनिक हथियारों पर साज सामानों को इस्तेमाल किया। अत्याधुनिक तकनीक और दवाइयों की समुचित आपूर्ति बावजूद वियतनाम में अमेरिकी सेना के सैनिकों भारी संख्या में हताहत हुई। उस युद्ध में उस समय के सबसे शक्तिशाली बम रॉकेट B-52 का इस्तेमाल भी किया गया। उस युद्ध में लगभग 47,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 3,03,000 सैनिक घायल हुए, और उनमें से 23,000 सैनिक पूर्ण रूप से अपाहिज हो गए थे। ठीक है, ऐसा युद्ध हुआ था भैया, ऐसी है यूक्रेन में और रूस में, देख लो। वियतनाम के लोगों को अमेरिकी शक्ति के सामने प्रदर्शन से यह साबित हो गया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबंध होने से कमजोर सेना में जाना जाता है था। अमेरिका ने इस बात को शायद नजरअंदाज कर दिया था। अब अमेरिका पर प्रभाव, यह आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं कि हो ची मिन ट्रेल कौन है। ठीक है, हो ची मिन ट्रेल, इसके बारे में बताता हूं आपको, ये कौन है। यह पगडंडियों सड़कों का एक बड़ा भारी जाल था। इसका इस्तेमाल आदमी और सामान से को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके रास्ते में कोई कई अस्पताल और सपोर्ट बेस थे। ज्यादातर सामानों को महिलाओं और बच्चों द्वारा साइकिल में ले लिया जाता था। उस ट्रेल का ज्यादातर हिस्सा वियतनाम से बाहर लाओस और कंबोडिया में से था। उसकी शाखाएं दक्षिण वियतनाम तक की जाती थी। अब सामान और लोगों की आवाजाही रोकने के लिए अमेरिका उस ट्रेल पर हमेशा बमबारी करता था, लेकिन वियतनाम के लोग तुरंत ही उसकी मरम्मत कर लेते थे। और हो ची मिन ट्रेल वियतनाम के लोगों को दिलेरी और सूझबूझ की गवाही देता था। ठीक है, महिलाओं की भूमिका क्या थी। चीन की तुलना में वियतनाम की महिलाओं को अधिक समानता प्राप्त थी, खासकर से निचले वर्ग के लोगों में। तो यह बात और भी प्रखर थी कि लेकिन उनकी स्वतंत्रता सीमित थी और सार्वजनिक जीवन में कोई भी योगदान नहीं कर पाती थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के परवान चढ़ने के साथ साथ लेखकों और विचारकों को महिलाओं को समाज के कायदे कानून विरोधी के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया। और हो ची मिन ट्रेल से होकर सामान की सप्लाई करने के साथ साथ महिलाओं ने युद्धों में से सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके अलावा शांति काल के समय अर्थव्यवस्था को ठीक करने के वहां की महिलाओं ने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। अब अमेरिकी कब्जे का अंत कैसे हुआ। 1974 की जनवरी में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उस समझौते के साथ अमेरिका के साथ होने वाली लड़ाई समाप्त हुई। लेकिन साई गांव शासन और एनएलएफ के बीच लड़ाई जा रही। 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने साई गांव के राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया और एक सकल वियतनाम की स्थापना हुई। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब क्वेश्चन करते हैं हम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी चीन में कौन कौन से देश आते हैं। हिंदी में चीन है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कॉलोन या फ्रांसीसी शासक वर्ग जनरल। तो इंग्लिश में कॉलोनी कहा जाता था इनको, फ्रांसीसियों को। ठीक है, नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी। ये थी आपकी फोन बोई चाओ ने। इंपोर्टेंट है हो आ हा ओ आंदोलन किस प्रकृति का था। क्रांतिकारी, धार्मिक, धार्मिक क्रांति ऐसा में। तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। 1907, 8, 10, 11 साथ में हुई थी। मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूँ। दियन वियन फू के युद्ध में किसकी हारी फ्रांस की हुई थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हो ची मिन है शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, मसीहा या क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो पथ प्रदर्शक थे, ठीक है, पथ पर चलाते थे सभी लोगों को। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। 1945 में। एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई। 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता, हनोई समझौता।
जेनेवा, पेरिस या जकार्ता। तो हनोई समझौता इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। फ्रांसिस ने हनोई में चूहे को आक्रमण को रोकने की किस प्रक्रिया को कोशिश की, वो थी सी, ठीक है। 1902 में चूहे का शिकार शुरू करके वियतनामी श्रमिकों को काम कर रखकर पकड़े गए प्रत्येक चूहे के लिए उन्हें भुगतान करना पड़ता था, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता, और सभी गलत। पूर्व की ओर चलो की शुरुआत किसने की और कब की, 1907-8 में जापान के और 300 वियतनामी छात्र थे, ठीक है। और नेक्स्ट है, अमेरिका उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच वियतनाम युद्ध क्यों कूदा, वियतनाम में अमेरिकी शासन की स्थापित करने के लिए, या उत्तर दक्षिण वियतनाम को एकजुट करने के लिए, या वियतनाम में सत्ता हासिल में कम्युनिस्टों को रोकने के लिए, तो इसी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, और सभी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से कौन सा बर्नर्ड द्वारा सुझाए गए वियतनाम में से आर्थिक विकास के बाधा नहीं, तो वो ही प्राकृतिक संसाधनों की कमी। नापाम क्या है, नापाम है आपका डी इज द राइट आंसर, हो ची मिन द्वारा एक घुलवलिया मार्ग था, ठीक है, ये कर लेना आप याद। तो आई थिंक हाँ, एक और क्वेश्चन है कि वियतनाम पर किस देश का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, चीन, भारत, जापान, रूस, तो चीन का ज्यादा पड़ा था, ठीक है, किस पर, वियतनाम देश पर। तो आई थिंक ये क्लास मेरी यहीं पर समाप्त होती है, तो इसी के साथ में विदा लेना चाहता हूँ। विद क्वेश्चन के साथ आपको हर चैप्टर को करा रहा हूँ, चाहे बेसक हो कितना भी हार्ड हो, क्या पता आपसे यहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं भाइयों से नमस्ते, राम राम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अब तो यूपी टेट के भी फॉर्म निकल चुके हैं, ज़्यादा से अधिक अतिरिक्त मात्रा में अपने भाइयों को बता दो, अभी भी टाइम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है, ऑन यूट्यूब पर। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और पढ़ते रहो भाइयों, मजबूती की तरह।